मेरा नाम शेख मोहम्मद अनस है, शेख मोहम्मद अनस मोहम्मद असलम। मैं डिलीवरी कुरियर की गाड़ी चलाता हूँ। 26/9/2021 रविवार के दिन खोखरा परिष्कर वन में मैं डिलीवरी करने गया था। मेरे साथ सुपरवाइजर थे अमन सिंह सिसोदिया। हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा एल ब्लॉक कहाँ पर आएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आगे जाके लेफ्ट टर्न ले लो। तो मैंने गाड़ी आगे जाने दी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से सीटी बजाकर मुझे रुकाया। तो मैंने गाड़ी रोक दी और अमन सिंह सिसोदिया को कहा मैं पीछे जाकर पूछा मतलब क्या हुआ है। तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड पास गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने उनको गाली बोली कि बोले एंट्री कराने की बोले तुमको बोले समझ नहीं पड़ती है। तो उन दोनों की बोला पाली। इतने में सिक्योरिटी गार्ड आके मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे। मतलब सर आप ऐसी रिश्ते बात मत करो, अगर आपको कुछ ऐसा है तो मैं गाड़ी बाहर ले लेता हूँ, लेकिन ऐसी रिश्ते मेरे साथ बात मत करो। इतने में जो वहाँ के चेयरमैन थे उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मुझे गाड़ी में से खींच कर निकाला और मुझे मारा। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया और उन्होंने अमन सिंह सिसोदिया को मारा। फिर उनसे उसका नाम पूछा तो जब उन्होंने उनका नाम अमन सिंह सिसोदिया बताया, उन्होंने उनको मोमेडन समझ के मारा क्योंकि उनकी दाढ़ी थी थोड़ी। जब उन्होंने उनका नाम अमन सिंह सिसोदिया बताया तो उसको साइड पर खड़ा कर दिया, बोले तू साइड पर खड़ा रहे। और वो लोग मेरे पीछे भागे, मुझे बाहर जाकर पकड़ लिया, मेरे से मेरा नाम पूछा। जब मैंने मेरा नाम मोहम्मद अनस बताया तो मुल्ला मुल्ला कहकर मुझे मारने लगे। जब मैं वो मुझे मार रहे थे मेरे मुँह से अल्लाह निकला। तो वो लोगों ने बोला अल्लाह अल्लाह यहाँ नहीं करने का और डंडे और पाइप से मुझे जानलेवा मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे घसीटते हुए वापस से अंदर ले गए सोसाइटी के और वहाँ पर मुझे 15-20 जनों ने मारा। उसके बाद में मैंने रिपोर्ट कराई तो मेरे कान का पर्दे के अंदर छेद बताया और मेरी मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की।